आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए शुक्रवार पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च कोतवाली से निकलकर एमजी रोड, तिलक पथ, मोहन टाकीज, तालाब चौक सहित कई इलाकों तक गया। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर आमजन को एहसास कराया कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है, वह सुरक्षित माहौल के बीच त्यौहार मनाएं। फ्लैग मार्च से जहां आमजन को सुरक्षित माहौल में अपने अपने त्यौहार मनाने का संदेश दिया, वहीं असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी कि वे किसी तरह की खलल पैदा न करें, अन्यथा बख्शा नहीं जाएगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। त्योहारों को देखते हुए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा, किस प्रकार का सर संदेश देंगे? देखिए, आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर के विभिन्न ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील है वहाँ पे आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य ये है कि जो बदमाश है, जो असामाजिक तत्व है, उनमें एक भौंक डर रहे और जो आम जनता है उसमें सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही अभी आदर्श आचार संहिता भी हमारे ज़िले में लागू है, तो उस आगामी चुनाव को दृष्टिगत भी ये फ्लैग मार्च और पैदल मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। सर कहाँ कहाँ से सर इसमें फोर्स बुलाया गया है? ये हमारे यहाँ थाना कोतवाली का बल है और DRP लाइन का है, QRF का बल है, साथ में SF का, DG रिजर्व का बल है, वो बल भी है और करीब 100 लोगों का बल आप जैसे देख रहे हैं पीछे है। साथ में हम लोग 12 अश्वरोधी दल है जो हमारा घोड़े है, वो भी आज हमारे साथ में पैदल भ्रमण में रहेंगे। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।